Hi guys, a very good morning from Gangria. Finally, it's 5:23 in the morning. I know light काफ़ी कम है, तो हमने हमारा journey start किया है Gangria to Phulna. ये वही 10 किलोमीटर का stretch है जिसको हम आज नीचे उतर के complete करने वाले हैं. जैसे ही थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी हम फिर से बात करेंगे. अभी थोड़ी सी रोशनी हो चुकी है. इट्स अराउंड 5:30 AM. काफ़ी सुबह हमने स्टार्ट किया हो कि हमारा एम है कि हम 11 बजे तक पहुंच जाए नीचे. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन गांगरिया. कितना ब्यूटीफुल है. तो अभी हम हमारा ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा शेल्टर है. एंड वी ऑल्सो हैव अ डॉगी. हाय. सो डॉगो इज ईटिंग बिस्किट. बिल्ली पता नहीं कहाँ गई. और यहाँ पे आंटी ऐसे खाना बनाती है. इनको एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होता है बिकॉज यहाँ पे जो सामान है वो इनको नीचे से लेके आना पड़ता है. सो यहाँ पे सारे चार्जेस डबल है पर दैट इज़ फाइन बिकॉज इनको काफ़ी मुश्किल से सामान लेके आना पड़ता है यहाँ पे. एंड दिस इज़ द व्यू. ये देखो बिल्ली के फोटो खींच रहे. ये बिल्ली के फोटो खींच रहे. बहुत क्यूट है यार. वीडियो बना रहे भी. वीडियो बना रहे. ये देखो सो ब्रेकफास्ट इज हियर गाइस. हम लोग खा रहे हैं मैगी और चाय. छोटा सा गांव है यहाँ पे. पुलना इज जस्ट 2 किलोमीटर्स नाउ और काफी बारिश हो रही है. पूरे रास्ते बारिश ही हो रही थी और बस हम 2 किलोमीटर में पहुंचने वाले हैं पुलना. 8 बज रहे हैं तो हमने 5:30 को स्टार्ट किया था. इट्स बीन 2.5 आवर्स. अच्छा पीछे हमारा बहुत बारिश भी हो रही है तो काफ़ी संभल संभल के चलना होता है. तो बैक टू द बेस. वी आर गोइंग टू गोविंदघाट फ्रॉम पुलना. पुलना से हमें शेयर कैब मिलेगी जो जाएगी गोविंदघाट के लिए. थोड़ा सा रॉकी स्ट्रक्चर है तो वो थोड़े से स्लिपरी हो जाते हैं रॉक्स बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर. तो थोड़ा सा आराम आराम से ही चल के आना चाहिए बारिश के टाइम पे. गए थे. हाँ बाय. हाँ तो मैं नीचे उतर रही हूँ पर इन लोगों के लिए यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज काफ़ी बारिश हो रही है और इन लोगों ने काफ़ी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है. तो अच्छी बात है ये, अगर शाम तक भी पहुँच जाएंगे तो सही है. हमने तो 2 बजे दोपहर को किया था. 7 बजे तक पहुँची थी. सो दैट इज द टैक्सी स्टैंड. जैसे हमें पुलना से गोविंदघाट के लिए शेयरिंग कैब मिलेगा और हम बस पहुंचने ही वाले हैं. एंड दिस इज द एंड टू द वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक. लुक एट द व्यू. यहाँ पे आप हॉर्सेस को भी हायर कर सकते हैं अगर आपको अपने बैग्स लेके जाने में तकलीफ होगी तो. चलना है रेडी. तो अभी हम जा रहे हैं पुलना और हम इस शेयर्ड कैब में जाएंगे.
तो इस वक्त हम जोशीमठ के लिए गाड़ी का वेट कर रहे हैं गाइस। इतनी आसानी से मिलती नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बिकॉज शेयरिंग में जब तक दूसरे लोग भी नहीं आते और गाड़ी फुल नहीं हो जाती तब तक आपको वेट करना पड़ता है। तो हमें आके आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, नाउ इट्स 10:09 और हम वेट कर रहे हैं व्हीकल का। हमें गाड़ी मिल चुकी है फ्रॉम किमना टू गोविंद घाट और गोविंद घाट के लिए 1 घंटा लग सकता है। हाय गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। आज हमारा सेकेंड डे है जोशीमठ में, कल हम यहाँ पे पहुंचे थे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, माय नेम इज रश्मि शेट्टी एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ व्हाइल। मैंने मेरा उत्तराखंड का ट्रिप स्टार्ट किया था 8 जुलाई को, हम ऋषिकेश में थे और ऋषिकेश से हम आए टू जोशीमठ टू डू द वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक और फिर मैंने सोलो वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक किया। थैंक्स फॉर बींग अ पार्ट ऑफ माई ट्रैवल जर्नीज। तो आज का प्लान ऑफ एक्शन इज़ टू गो टूवर्ड्स चोपटा। नाउ चोपटा इज़ द प्लेस जहाँ पे हम टुंगनाथ टेम्पल है, वहाँ पे हमें शिव जी का सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो टेम्पल है इन द वर्ल्ड वो देखने मिलेगा एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। द प्लेस इज़ फिल्ड विद मेडोज और बहुत ही पीसफुल जगह है। अब तो थोड़ी सी बारिश कम है और बज रहे हैं अराउंड 8:30 AM, 8:34 हो रहा है और हमें 10 बजे के पहले रैपअप करके देखते हैं। मैंने सब सामान यहाँ पे सेट करके रखा है, आई हैव टू पैक माई बैग, माई बैग इज हियर। और हमें निकलना है जोशीमठ से, हम जाएंगे चमोली और चमोली से हम गोपेश्वर का रूट पकड़ के चोपटा। शायद मुझे 2-3 बार कैब या बस चेंज करना होगा, तो आई एम नॉट श्योर, तो हम जाके फिगर आउट करेंगे। तो या सो लेट्स पैक एंड वी आर गोइंग टू चोपटा। वहाँ पर मैंने एक टेंट स्टे बुक किया है, तो रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस न्यू प्लेस चोपटा। और मेरे नीज में आज भी काफ़ी दर्द है बिकॉज ऑफ द ट्रैक, 3 दिन जो हमने लगातार 10-10 किलोमीटर का ट्रैक किया है और आगे भी हमें चोपटा में भी ट्रैक करना है 5 किलोमीटर्स का, विच इज़ अ चंद्रशिला ट्रैक। और वो टेम्पल पहुँचने के लिए भी हमें 3 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ता है चोपटा से। सो रियली एक्साइटेड एंड आई विल सी यू सून। तो चलो पैकिंग करते हैं और निकलते हैं चोपटा के लिए।